हिलसा में टेम्पो पलटने से आधा दर्जन लोग घायल। हम आपको बता दें कि सोमवार को हिलसा शहर के DPS पब्लिक स्कूल के सामने मुख्य सड़क पर तेज गति से जा रही एक टेम्पो अचानक पलटने से आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को हिलसा के अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां लोगों ने निजी अस्पताल में इलाज करवाया। घायलों में हिलसा थाना क्षेत्र के घोसी गांव निवासी स्वर्गीय राम लखन प्रसाद के पुत्र चंदेश्वर प्रसाद, हिलसा थाना क्षेत्र के नोनिया विघा गांव निवासी मुंशी प्रसाद के पुत्र बबलू प्रसाद एवं करापसराय थाना क्षेत्र के चनकुरा गांव निवासी राजकुमार प्रसाद सिंह के पुत्री सुजाता कुमारी शामिल है। इस दौरान जख्मी ने बताया कि डियामा से हिलसा की ओर आ रहे टेम्पो DPS पब्लिक स्कूल के पास मुख्य सड़क पर अचानक पलट गए, जिसमें दुर्घटना में चालक की लापरवाही स्पष्ट रूप से उजागर हुआ। दादा की नाम हो, कौची नाम हो? चंद्रेश्वर प्रसाद। आपका किस जगह एक्सीडेंट हुआ है? DPS स्कूल के पास। हाँ, मेन रोड पर ना? हाँ, कौची टेम्पो है ला? अपने से पलट गया? और दूसरा कोई धक्का ना मरल के है?